एक सच्चे देशभक्त की तरह। हाँ, एक आतंकवादी घटना जरूर थी, हमें हमेशा दुख रहेगी, लेकिन ये उम्मीद है कि इसकी बदला हम जरूर लेंगे। हाँ, कुछ देरी होगी जरूर, लेकिन इसका बदला, खून का बदला हम खून से जरूर लेंगे। देश के वीर जवानों का शहादत का बदला कैसे लिया जाएगा? पहले मैं अपने शहीद जवानों को नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन जवानों को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने शहादत दी है। पहली बात, जो भी कश्मीर में नापुंसक ना मर्द छक्का टाइप का जो नेता वहाँ पे है हुर्रियत का, उन्होंने जो बढ़ावा दिया है आतंकवादियों को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पैसे पे जो पलने वाले हुर्रियत, जो इंडिया को खाते हैं पाकिस्तान का गाते हैं, उन नेताओं को सबसे पहले सबक सिखाना जरूरी है। पहले अपने देश के जो घर अंदरूनी मामला है उसको खत्म करना जरूरी है। जितने हुर्रियत नेताओं हैं उनको खत्म करना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारा पार्ट टू होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक जो पार्ट वन हुआ था उससे बहुत बड़ा करने की जरूरत है। शूट एंड साइड का ऑर्डर देना चाहिए सरकार को, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे सेना को खुल्लम छूट देना चाहिए, सेना के हाथों में सारा कुछ दे देना चाहिए कि जो आपको जो करना है कीजिए। हमारे सेना हर दिन कुछ ना कोई, कोई किसी दिन एक, किसी दिन दो, किसी दिन तीन, इतना गिनतियाँ रोज हम लोग गिनते हैं, आज 10 तो कल 12, कल 14, कल 18, आज 42-50 जवानों तक शहादत पहुँच चुकी है। इस कब तक हमारे जवानों इस देश के लिए शहादत देते रहेंगे, पाकिस्तान का मन बढ़ाते रहेंगे? जैसे मोहम्मद जो जैसे का जो आतंकवादी है उनको घर में घुस के मारना चाहिए, और सर्जिकल पार्ट टू बहुत जरूरी है, बहुत जल्द होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। हमारे देश के नौजवानों ने जो आक्रोश है आज के डेट में, जो शहादत हमारे पिता भी खुद आर्मी में है, इस दर्द को समझते हैं। और सबसे पहली बात, इस जितने भी हुर्रियत नेता हैं, जितना गिलानी हो, नाना बरा, जितना आतंकवादी जो पाकिस्तान के पैसे पर पल रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा लेकर के इंडिया में इंडिया के नौजवानों को भड़का रहे हैं, पत्थरबाजों को, पहले सबसे पहले पत्थरबाज जितने भी कश्मीर में पत्थरबाज हैं उनको शूट एंड साइड सीधे गोली मार देना चाहिए। पहले तो हम सभी वीर जवानों को नमन करते हैं, और मोदी सरकार से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि उनसे अब बातचीत ना किया जाए, डायरेक्ट कार्रवाई किया जाए, खून के बदले खून, 42 के बदले 4200 का दिया जाए। वो हम लोग के लिए जितना भी शहीद हमारे भाई हुए हैं उनका वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम केंद्र सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में वहीं के आदमी जो रह सकते हैं उसको हटा के बिहारी और झारखंडी और यूपी के लोग को भी भेजा जाए, इसके बाद देखा जाए कि वहाँ कैसे आतंकवादी वहाँ पलते हैं। पहले तो मैं शहीद वीर जवानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मुझे मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है, और हमारे 42 शहीद जवान जो हुए हैं उनके जगह 4200 आतंकवादी को वो सर कलम करके दिखाएंगे, और वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे शहीदों के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही सर्जिकल स्ट्राइक 2 होगी।